अच्छा ये है किसमें, हमने किसमें डाला हुआ है? एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा टॉपिक्स में, और एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपके एग्जाम में आए इसका प्रोबेबिलिटी 0.001% है, ठीक। इसीलिए हमने एक्स्ट्रा टॉपिक्स में डाल दिया ताकि आप एग्जाम टाइम में रिवाइज जब करो तो इनको छोड़ देना, कोई फायदा नहीं है। मान लो 90 मार्क्स में से 100 मार्क्स में से 10 मार्क्स इसका आता है तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स बहुत ज्यादा हमने अलग किए हुए। तो अगर आपको सिर्फ 16 घंटे या पढ़ाई के लिए मिल रहा है या 2 दिन पढ़ाई के लिए मिल रहा है रिवाइज करने के लिए, इसको भी पढ़ने जाओगे तो आपका टाइम खाएगा। जो नॉर्मल टॉपिक जिसका आने का चांस 100% है उसको तो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो आपको कंसंट्रेट कहाँ करना पड़ेगा? नॉर्मल टॉपिक। एक्स्ट्रा टॉपिक सिर्फ क्योंकि सिलेबस का हिस्सा इसलिए मैं बता रहे हैं, ठीक। और बड़ा सिंपल है, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ? रेंट क्यों आता है? बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आप प्रॉपर्टी यूज करने दे रहे हो तभी रेंट है। पैसा यूज करने देते हो तो इंटरेस्ट, और नॉलेज यूज करने देते हो तो प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी बेच देंगे तो कैपिटल गेन है ना। लोन का पैसा, लोन अगर आप ले रहे हो तो कैपिटल रिसीव है, लोन वापस कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका तो कोई टैक्स ट्रीटमेंट होगा नहीं। सिमिलरली अगर नॉलेज खरीदते बेचते हो, इसको हम लोग इनटैंजिबल एसेट भी बोलते हैं, इनटैंजिबल एसेट। इसको खरीदते बेचते तो क्या आएगा? कैपिटल गेन आएगा, जो हम लोग करेंगे आपके साथ। क्या आएगा? तो पेटेंट बेच रहे हो, कौन सा गेन आएगा? लेकिन अगर पेटेंट को यूज करने दे रहे हो तो रॉयल्टी। तो रॉयल्टी के डेफिनेशन में जगह जगह लिखा हुआ यूज, एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन, एक्सक्लूडिंग कैपिटल। या फिर मैं इस पेटेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं तो भी जो मुझे पैसा मिलेगा वो क्या है? रॉयल्टी। यानी कि जब तक मैं बेच नहीं रहा हूं मैं उससे रिलेटेड आपको यूज करने दे रहा हूं, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, कोई डेटा शेयर कर रहा हूं, सब सारा किसमें आएगा? रॉयल्टी में आएगा, ठीक। एक बार आइए पढ़ते हैं। रॉयल्टी मींस, अच्छा ये रॉयल्टी आप मुझे मंथली देंगे या लमसम भी दे सकते हैं? दोनों पॉसिबल है। मैं कहूंगा ये 5 करोड़ रुपया दे दो, जो करना करो फिर, पॉसिबल है। या फिर जितना किताब बिकेगा उसके बेसिस पर मुझे देते रहना, तो बोथ वे पॉसिबल। तो अगर लमसम दे रहा है या फिर मंथली दे रहा है वो रहेगा रेवेन्यू रिसीट ही, आपको याद होगा है ना। अगर लमसम दे रहा है तो ये मत सोचना मैंने नॉलेज बेचा है, करेक्ट है। आइए, रॉयल्टी मींस कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसिडरेशन बट एक्सक्लूडिंग एनी कंसिडरेशन विच वुड बी द इनकम ऑफ द रिसिपिएंट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। किस लिए? फॉर ट्रांसफर ऑफ All or any rights, including the granting of license. अच्छा एक बात बताइए, जब आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, ऑफिस खरीद रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदते हो, उसमें लाइसेंस टू यूज भी एक्सेप्टेंस करते हैं आप? देखो उसमें क्या लिखा हुआ, लाइसेंस टू यूज। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जब आप पेमेंट कर रहे हो तो बेसिकली वो क्या है? रॉयल्टी का पेमेंट, ठीक। आइए, ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट इंक्लूडिंग द ग्रांटिंग ऑफ ए लाइसेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला और प्रोसेस और ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी। तो हमने क्या, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? PIMDSFPTS। पी से आई से इन्वेंशन, एम से डी से डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला और प्रोसेस। जैसे कोको कोला का मसाला जो है वो सीक्रेट फॉर्मूला है, तो कोको कोला ने इंडिया वालों को बॉटलिंग यूनिट को ये मसाला सप्लाई करता है जो सीक्रेट होता है, उससे रिलेटेड जो भी उसको पैसा मिल रहा है वो क्या है? रॉयल्टी। सीक्रेट फॉर्मूला और प्रोसेस, ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आर आई यू ऑफ पी आई एम डी एस एफ, क्या है, एस एफ पी टी एस। आर से राइट्स, इंफॉर्मेशन यूज, किस चीज का? इसका तो देखो पहला तीन होंगे, अंडरलाइन किया हुआ, राइट्स, इंफॉर्मेशन और यूज, किसका? वही पी आई एम डी एस एफ पी टी एस, तीनों में आ रहा है, ठीक है। फिर
द इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टेक्निकल इंडस्ट्रियल कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज एक्सपीरियंस और स्किल, इसको हम लोग टिक्स बोलेंगे. फिर द यूज और राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट, यानी कि अगर मैं जैसे मेट्रो में टनल बनाने की एक मशीन है, अगर आपने फोटो वोटो में देखी होगी, तो मेट्रो वाले ने टनल बनाने की मशीन खरीदी नहीं है लेकिन किराए पे लिया हुआ है. जो किराया रेंट ऑफ ए मशीन बेसिकली है क्या, वो रेंट है, लेकिन इस इनकम टैक्स ने उसको क्या बना दिया, रॉयल्टी बना दिया. पढ़िए, द यूज और राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट बट नॉट इंक्लूडिंग द अमाउंट्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 44BB ऑयल रिग. ऑयल रिग क्या होता है आपको पता ही है, जो समुद्र में तेल निकालने की मशीन को हम लोग ऑयल रिग बोलते हैं. लेकिन अगर उसको किराए पे दोगे तो वो रेंट, वो रॉयल्टी नहीं माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है, रेंट माना जा रहा है. क्यों माना जा रहा है, किस पे माना जा रहा है, सब सीए फाइनल में पढ़ते हैं लोग, फाइनल लेवल का है बेसिकली. फिर उसके बाद जैसे इंडियन आइडल आ रहा है, ये जो इंडियन आइडल का कॉन्सेप्ट है ये किसका है, यूके की कंपनी एंडोमॉल उसका है. तो उसने वो राइट दे दिया सोनी इंडिया और उसके बदले वो क्या पैसे चार्ज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी. करेक्ट है. और इसमें ये भी लिखा हुआ है, इसमें देखना रेडियो लिखा हुआ है, टीवी लिखा हुआ है, लेकिन अगर हॉलीवुड की कोई मूवी इंडिया में रिलीज होती है उसके बदले पैसे जा रहा है, दैट इज नॉट रॉयल्टी, दैट इज बिजनेस इनकम. इसमें है ना सिनेमाटोग्राफिक फिल्म नहीं लिखा हुआ, पढ़ो. ठीक है ना, प्लीज. अब एक आर आई हो गया, दूसरा टेक्स हो गया, तीसरा रेंट ऑफ मशीन हो गए, चौथा टीवी रिव्यू, बस कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में. ये वाला याद रखना एक्स्ट्रा टॉपिक्स, लेकिन आप जब स्टडी मटेरियल खोलोगे तो उसमें डेफिनेशन दिया हुआ है. अब एक चीज, एक फीचर बता देता हूं उस किताब का, आप कोई भी किताब उठा लो इनकम टैक्स में, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में हमने रॉयल्टी किया था, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रॉयल्टी, जिसका क्वेश्चन आता ही आता है. हर किताब में रॉयल्टी के बाद डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन रॉयल्टी, और मुझे पता ये आता नहीं है तो मैंने क्या किया इसको एक्स्ट्रा टॉपिक्स में डाल दिया. तो ये काम हमने हर चैप्टर में किया, सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में. अब जब आप किताब पढ़े तो बड़ा फोकस होकर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, और ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आपको करवाऊंगा जरूर, लेकिन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी तो है 0.001%. अगर आ जाए तो मैं चाहता हूं आप छोड़ो, क्योंकि उस एक्स्ट्रा टॉपिक को महारत हासिल करने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा. हो सकता है नॉर्मल टॉपिक छूट जाए. मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप सोचो टैक्स में कम नंबर या फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ करना चाहते हैं और कहते हैं मैं तेज हूं. कम करो, चेस में प्यादों को कभी कभी मारना होता है ताकि आप जीत सके. तो मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि करो ही मत, मैं ये भी नहीं कह रहा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो सब कुछ करूंगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं. बाई चांस आ जाए तो भलाई किसमें है, छोड़, क्योंकि लेकिन आपने कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही हुआ है, कुछ तो लिखोगे आप. उसमें 100 में 100 लाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा टॉपिक में 100 में 100 लाने की कोशिश करोगे तो नॉर्मल टॉपिक्स में 0 आ सकता है. आया, जाने से पहले एक बात और, अगर आप 24 घंटे के अंदर टैक्स याद करते हैं तो आपको आएंगे 100 में 100, नहीं करते हैं तो अगले 25 घंटे के अंदर टैक्स भूल जाएंगे, और मैं मान लूंगा कि आज आपने ये क्लास अटेंड ही नहीं किया और अगले 48 घंटे में मुझे भूल जाओगे. कल आपका टेस्ट है, मुबारक हो, ऑल द बेस्ट.